हेलो मॉमीज, वेलकम टू माय चैनल मॉम लाइफ। कैसे हैं आप लोग? आज हम बात करेंगे कि जो हमारे छोटे बेबीज होते हैं, जब उनके टीदिंग का प्रोसेस आने वाला होता है, उनको दांत निकलते हैं, तो उन्हें काफ़ी समस्याओं का, काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और उनके साथ साथ हम भी परेशान रहते हैं, क्योंकि जो हमारा बच्चा होता है वो चिड़चिड़ा हो जाता है, वो रात को अच्छे से सोता नहीं है। अगर वो फीड ले रहा है तो फीड अच्छे से नहीं लेगा, उसे हो सकता है कि बुखार आ जाए। तो ये रीजंस होते हैं और इससे हमें अंदाजा लगा सकते हैं हम कि बच्चों के दांत आ रहे हैं। जरूरी नहीं कि ये सब रीजन है तो बच्चों की टीदिंग ही हो रही हो, ये सब होना किसी और रीजन से भी हो सकता है। अगर वो सो नहीं रहे हैं तो उन्हें शायद भूख लगी हो, या फीवर आ गया है तो कोई और रीजन से आ सकता है, फीवर वायरल हो सकता है। तो हमें ये सोच के नहीं बैठना कि दांत की वजह से फीवर आ रहा है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि दांत निकलने की वजह से भी फीवर आ रहा है। दांत निकलने की वजह से बच्चों को नॉर्मली फीवर 98-99, इससे ज़्यादा नहीं जाता है। अगर इससे ज़्यादा आपके बच्चे को फीवर आ रहा है तो वो डेफिनेटली किसी और रीज़न से आ रहा है, तो इसमें आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत होगी। टीदिंग के समय क्या होता है कि बच्चे हल्के चिड़चिड़े हो जाते हैं, ये बहुत ही नेचुरल सी चीज़ है, क्योंकि बच्चे के जो गम्स होते हैं वो बहुत सॉफ्ट होते हैं और उससे दांत निकलना बहुत ही बड़ी बात होती है, तो जिसका एक प्रोसेस बहुत ही लंबा ही नेचुरल प्रोसेस है। तो इसमें बच्चों को चिड़चिड़ा होना ये बहुत ही आम बात। हमारे बेबी के अभी दो दांत आ चुके हैं, जब उसके दांत आने वाले थे तो वो काफ़ी चिड़चिड़ करने लगा था, मतलब मुझे देखकर भी वो रोने लगता था, विशेष को देखकर भी वो रोने लगता था, कुछ खाना पीना उससे अच्छा नहीं लगता था, स्लीपिंग पैटर्न चेंज हो गया था और फिर अचानक से उसको एक दिन फीवर आ गया। तो मतलब काफ़ी कभी कभी भी उसको फीवर आया है, उससे पहले भी दो चार बार, बट उस टाइम ये टीदिंग का रीज़न नहीं था। इस समय जब उसको ये चीज़ें हुई तो हम समझ नहीं पाए कि एक्चुअली उसको दांत आने वाले हैं, या मतलब बस दांत आने ही वाले हैं। इस टाइप से उसका फीवर वगैरह नॉर्मल हो गया, 98-99 का वो नॉर्मल हो गया। चार पाँच दिन बाद जब हमने देखा हल्के हल्के से कुछ वाइट से, मतलब जो नीचे के दांत है वहां पर कुछ वाइट से बहुत ही छोटे छोटे से प्यारे से दांत हमें दिखने लगे, बहुत ही छोटे, मतलब कहते हैं ना चावल के दाने के बराबर, उससे भी छोटा हम बोल सकते हैं। और 7 से 8 दिन के अंदर जब हमने देखा तो उसको प्रॉपर टीदिंग हो गई थी, दो दांत उसके बहुत ही अच्छे से आ गए थे। और उसके बाद जब दांत आ गए तो उसका जो वो चिड़चिड़ापन था, खाना नहीं खाना या रोना देखकर, मतलब मुझे देखकर वो रोने लगता था, या कोई भी चीज़ पे जिद सी कर लेना, तो ये चीज़ उसके धीरे 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 जब उसके दांत आ गए दो नीचे के तो ये इम्प्रूव हो गई। तो इससे हमें अंदाज़ा लग गया कि उस समय जो ये चिड़चिड़ापन था, बेबी का जो पूरा रूटीन चेंज हो गया था, ये उसकी टीदिंग की वजह से हुआ था, क्योंकि दांत निकलते बच्चों को काफ़ी दर्द होता है। हमें थोड़ा सा अंदाज़ा लग गया था तो हम उसके लिए कुछ कुछ होम रेमेडीज हमने घर पे करते थे। हम उसको टीथर देते थे, जो हम रेफ्रिजरेटर में उसको बिल्कुल ठंडा कर लेते थे, और उसको थोड़ी देर के लिए हम हमारी ऑब्जर्वेशन में जब वो हमारे सामने बैठा था तभी देते थे। उसको स्टरलाइज करके फ्रीजर में रखने के बाद कुछ सेकंड 5 से 10 मिनट के लिए देते थे, ज़्यादा देर के लिए नहीं देते थे, क्योंकि हम हाइजीन का ही बेबी के ध्यान रखते थे। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि जब बच्चों के दांत आ रहे हैं तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है और क्या क्या सावधानियां बरतनी है, सारी चीज़ें हम आपको बताते हैं वन बाय वन। जब भी बच्चों के दांत आते हैं तो ज़्यादातर जो मैंने आपको बताया, जो हमारे बेबी के साथ प्रॉब्लम हुई थी, ये प्रॉब्लम सब बच्चों के साथ होती है। अगर प्रॉब्लम नॉर्मल है, उसको नॉर्मल लूज मोशन हो रहे हैं, तो आप वेट कर सकते हैं, आपको डॉक्टर के पास नहीं जाना है। पर बच्चे को अगर ज़्यादा लूज मोशन हो रहे हैं तो उसका रीज़न दांत आने के अलावा भी कुछ और हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि उसको टीदिंग हो रही है। फीवर अगर 99-100 से अबव है तो वो टीदिंग का फीवर नहीं है, वो फीवर बेबी को किसी और रीज़न से आ रहा है। अगर बेबी बच्चा ज़्यादा ही चिड़चिड़ कर रहा है, कंटिन्यूसली रो रहा है, नहीं चुप हो रहा है, तो वो किसी और रीज़न से रो रहा है। अगर दांत के लिए अगर वो चिड़चिड़ कर रहा है तो वो थोड़े टाइम चिड़चिड़ करेगा, फिर नॉर्मल हो जाएगा, फिर चिड़चिड़ करेगा, फिर जैसे क्या होता है, थोड़ा सा जब दर्द हुआ उसको या थोड़ा सा हार्ड सा लगा तो वो रोने चिड़चिड़ करने लगेगा, जब उसको नॉर्मल फील होगा तब वो नहीं करेगा। बट अगर वो कंटिन्यूसली चिड़चिड़ कर रहा है, रो रहा है, बिल्कुल कुछ भी नहीं खा रहा है, तो इसके पीछे कोई और रीज़न हो सकता है। दांत आने के समय बच्चे थोड़ा थोड़ा परेशान करते हैं, जो कि बिल्कुल नॉर्मल है।
अगर आपके बच्चे के दांत आ रहे तो आपको आप क्या क्या घरेलू उपाय हैं जो आप कर सकते हैं, हैंड अच्छे से वॉश कर लीजिए आप, और उसके बाद आप बच्चे के एक फिंगर बिल्कुल अच्छे से साफ कर लीजिए। फिर आप उस एक फिंगर से बेबी के दांतों के जो गम्स हैं उनके हल्के हल्के हाथ से दबाइए, जिससे बेबी के जो मसूड़े फूले हुए हैं उसको आराम मिलेगा और उसको जो भी दर्द वगैरह हो रहा है उसमें उसको रिलीफ मिलेगा, तो वो चिड़चिड़ापन कम हो जाएगा। आप क्या कर सकते हैं, एक ठंडा पानी कर सकते हैं, चिल्ड वाटर, उसमें बेबी का जो नेपकिन होता है, हैंड नेपकिन होता है, साफ धुला हुआ नेपकिन होना चाहिए, धूप में सूखा हुआ होना चाहिए अच्छे से, उसको आप उसमें डिप करिए, फिर हल्का सा उसको निचो लीजिए और उससे धीरे धीरे दबा दीजिए बेबी के गम्स, तो उससे जो ठंडापन मिलेगा उससे बेबी को ठंडक से काफ़ी राहत मिलेगी और उसके टीथिंग बहुत ही आसानी से हो जाएंगे, उसको ज़्यादा प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। आप उसको टीथर दे सकते हैं, टीथर आपको बिल्कुल साफ होना चाहिए, स्टरलाइज होना चाहिए, और जब भी आप बेबी को टीथर देके, यानी कि आपने टीथर दे दिया और बेबी टीथर दिन भर टीथर लेके अपना मतलब उसको ले रहा है, ऐसा नहीं करना है आपको। आपको जब भी आप टीथर दे बेबी को, आपके साथ बैठे रहें, टीथर स्टरलाइज हो, बिल्कुल साफ हो, तभी आप बेबी को टीथर दे, और नहीं तो, और बेबी के जो टॉयज होते हैं, बच्चे को आप जब भी टॉयज वगैरह दे तो वो स्टरलाइज हो। आप डेली बेबी के जो भी टॉयज बेबी मुंह में लेते हैं उनको अच्छे से वॉश कर दे, बेबी के जो लिक्विड क्लींजर आते हैं स्पेशली बेबी के लिए होते हैं वो केमिकल फ्री होते हैं, उनसे ही बेबी के टॉयज को वॉश करें। मैं आपको वीडियो के लिंक में पिजन का जो मैं लिक्विड क्लींजर यूज करती हूँ बेबी के टॉयज वगैरह साफ करने के लिए, बॉटल क्लीन करने के लिए, मैं उसका लिंक आपको वीडियो में शेयर करूंगी। मैं अमेजोन से उसके सारे प्रोडक्ट बुलवाती हूँ, आप कहीं से भी परचेस कर सकते हैं। तो आप बेबी के क्लींजर से ही बेबी के टॉयज वगैरह क्लीन करें, साफ सफाई का विशेष तौर पर ध्यान रखें, बेबी के टॉयज हो गए, बेबी की बेडशीट हो गई, क्योंकि बेबी अब 6 महीने के ऊपर हो जाते हैं तो वो कोई भी चीज उनको बस मुंह में लेना है, हम 2 मिनट के लिए छोड़ा तो वो क्रॉलिंग करके जाएंगे, हो सकता है वो बेडशीट मुंह में ले ले, ब्लैंकेट ले ले, तो हमें साफ सफाई का विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि कोई भी गंदी चीज हो या डस्ट हो उनके अंदर ना जाए, टॉयज भी साफ हो, अगर गंदगी चली गई तो इससे उनको इन्फेक्शन हो जाएगा और इन्फेक्शन की वजह से उनकी तबीयत खराब हो सकती है और हमें लगेगा कि टीथिंग की वजह से हो रहा है, तो हमें साफ सफाई का ध्यान रखना है, क्योंकि जब भी बच्चों के दांत आते तो उनको इरिटेशन होता है, उनको कुछ भी मुंह में लेना होता है। मेरे बेबी का जब टीथिंग हो रहा था तो वो हमेशा कोई भी चीज होगी उसको मुंह में लेना है, कोई टॉयज होगा, ब्लैंकेट तो फेवरेट था उसका, मतलब जब भी ब्लैंकेट दिखा नहीं कि ब्लैंकेट को मुंह में लेना, तो मैं तो हर 3 डेज में 2 डेज में उसके 2-3 ब्लैंकेट बना रखे थे, मैंने उनको वॉश करके डिटॉल के पानी में फिर रखती थी, क्योंकि इतना नहीं हो पाता था कि मैं उसको हर टाइम पूरा ध्यान देती थी, पर मैं थोड़ी सी देर के लिए उठी तो वो ले लेता था। तो हमें साफ सफाई का विशेष तौर पर ध्यान रखना है, क्योंकि जब बच्चों की टीथिंग होती है तो वो इरिटेट हो जाते हैं, उनको कोई भी चीज खाने को लगती है, कोई भी चीज को चबाना होता है, च्युइंग करने का मन करता है, तो हम जो भी उनके आसपास चीजें दे रहे हैं, टॉयज हो, ब्लैंकेट हो, बेडशीट हो, खाने का सामान हो, साफ सफाई से हो, स्टरलाइज हो, धुला हो, इन चीजों का हमें ध्यान रखना है। बेबीज की टीथिंग के समय आपको ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है, जो भी मैंने चीजें बताई, चिड़चिड़ा होना, ये सब चीजें सभी बच्चों में नॉर्मल होती है। आपको जो भी बताया है कि बच्चों की सिकाई करनी है, साफ सफाई का ध्यान रखना है, इसके साथ साथ आप एक कैल्केरिया फॉस की टेबलेट आती है, होम्योपैथी टेबलेट है, जो कि कई समय से चली आ रही है, हमारी मेरी मम्मी ने भी मुझे दी थी, तो आप वो दे सकते हैं बेबीज को। बहुत से लोग ग्राइप वाटर देते हैं, अगर आपको लग रहा है कि ग्राइप वाटर से आपकी बेबी को प्रॉब्लम नहीं हो रही है, आपको ठीक लग रहा है, तो आप उसको कभी कभी ग्राइप वाटर भी दे सकते हैं। फॉस की होम्योपैथी टेबलेट्स आती हैं, जो कि कैल्शियम की टेबलेट्स होती हैं, वो आप बेबी को दे सकते हैं, कैल्शियम बेबी के लिए बहुत ज़रूरी होता है, और मैंने मेरे बेबी को ये दी थी, आप दिन में 2 बार दे सकते हैं, 2 टेबलेट सुबह 2 टेबलेट शाम को। ये मीठी मीठी टेबलेट्स होती है, इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, एलोपैथी में आपको कोई भी डॉक्टर एडवाइस नहीं करेगा, क्योंकि ये एक नेचुरल प्रोसेस है, डॉक्टर नहीं बोलेगा कि आप कोई दवा दो, डॉक्टर कहेंगे कि दांत आने दो, वो अपने आप आएंगे, नेचुरल तरीके से आएंगे, आपको कोई भी तरीका करने की, कुछ भी दवा देने की या कोई भी जेल लगाने की
जरूरत नहीं है। हमने जब हमारा बेबी चिड़चिड़ कर रहा था तो हमने हमारे डॉक्टर से पूछा था, उन्होंने हमें स्ट्रिक्टली मना किया कि आपको कोई जेल कोई दवाई की जरूरत नहीं है, आप उसको नेचुरल तरीके से उसके दांत को आने दीजिए। अगर आप उसको दवा एडिशनल रूप से दे देंगे तो उसको कोई और साइड इन्फेक्शन हो सकता है, तो आप उसको दवा बिल्कुल भी आपको नहीं देनी है, नेचुरल प्रोसेस से उसके दांत आने दीजिए। बट हमने हमारे बेबी को होम्योपैथी की जो कैल्केरिया की दवाई ये दी और उससे इसको कोई नुकसान नहीं हुआ। इसको देने से उसके दांत आसानी से, 4-5 दिन चिड़चिड़ापन हुआ बट हमें पता नहीं चला कि कब उसके दांत आ गए। तो आप अपने बेबी को ये दवा दे सकते हैं। और जो भी मैंने आपको होम रेमेडीज बताई थी कि बच्चों की दांतों की ठंडे पानी से सिकाई करना, टीथर देना, बच्चों के जो गम्स होते हैं उनको अपने हाथ से बिल्कुल साफ हाथ से हल्के हल्के हाथों से दबाना, इन सब चीजों का आप ध्यान रखेंगे, साफ सफाई का ध्यान रखेंगे, तो आपके बेबीज के दांत बहुत ही आसानी से आ जाएंगे। मैं आपको एक बार और बोल रही हूँ, बच्चे तो घबराएंगे ही, बच्चे परेशान होते हैं, बट आपको उस समय अपने आप को, क्योंकि हमारा छोटा बच्चा होता है वो थोड़ा सा भी घबराता है तो हम लोग भी बहुत घबरा जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं। अगर फीवर आ गया तो हमें पैनिक नहीं होना है, बहुत ही कामली पेशेंसफुली बेबी को देखना है, उसकी चीज़ों को ऑब्जर्व करना है, हमें समझना है कि बेबी बच्चा किस रीज़न से क्या कर रहा है। जब हम रीज़न का पता लगा लेंगे, कारण को समझ लेंगे, तो हमारे बच्चे को बहुत ही इजीली टैकल कर पाएंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जो भी आपके नोन में जिनके छोटे बच्चे हों उनके साथ शेयर करें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। बाय बाय मम्मीज़।